बिल्कुल जोश नहीं आया। अजय भाई ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है और एक बहुत ही अच्छे दिन, तो जोश तो पता चलना चाहिए। मुझे लगता है भोजन की भी अभी मुझे तो खुशबू आई, आपको पता नहीं आई नहीं आई। भारत माता की, भारत माता की। इस सेवा दिवस के सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय मार्गदर्शक स्वामी कृष्णपाल जी गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई गोपाल जी शर्मा, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गंगा शंकर जी मिश्र जो प्रांत के हमारे संपर्क प्रमुख हैं, और इस कार्यक्रम का आयोजक भाई अजय गौड़ जी, मेरे पार्टी के बहुत ही घनिष्ठ साथी यहाँ पंकज रामपाल जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष भाई सचिन शर्मा जी, कुलदीप साहनी जी, नीरज मित्तल जी, और जिले में हमारे बहुत ही वरिष्ठ मेरे से भी वरिष्ठ साथी मेरे बड़े भाई मूलचंद मित्तल जी, आर एन सिंह जी, हमारे विस्तारक बैठे हैं सामने, हमारे जांगड़ा जी, वैसे तो नाम बता रहे थे बाद में, मेरा अजय भाई कहता था कि नीचे जी और ऊपर जी, पर सभी मेरी मातृशक्ति, मेरे समाज के बंधुवर, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और प्रेस और मीडिया से आए हुए सभी साथियों, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ भाई अजय गौड़ जी का इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे भी बुलाकर आपके बीच में आपसे मिलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना संपूर्ण जीवन पूरे देश के लिए समर्पित किया, ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन पर यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो विकास पुरुष भी हैं, ईमानदार भी हैं, और जिनसे मेरे को तो बहुत पुराना, जिनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। 1994 से मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ लगातार काम करने का। ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन हम मना रहे हैं सेवा दिवस के रूप में। मैं आप सबको, सबकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत वो दीर्घायु हो और इसी तरह पूरे हरियाणा की सेवा करते रहे। देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ कार्यकर्ता समाज के लोग बैठे हैं, हम सब मानते हैं कि समाज में जो असमानता है, जब तक हम उसको कम नहीं करेंगे दूर नहीं किया जा सकता, पर पहले कम करने की सोच होती है। तो जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जब 2014 में हरियाणा की बागडोर उन्होंने संभाली, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया, क्योंकि वो अपना परिवार हरियाणा के 2.5 करोड़ पर लोगों को मानते हैं, कि किस तरह से जो जीवन के समाज में रहते हुए अपने जीवन यापन करते हुए बहुतों को दिक्कत होती है, जिनकी आय के साधन बहुत कम है, उनके किस तरह से आय के साधन बढ़ाए जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोगों को उनके जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ उन्हें घर बैठे बिगर बताए, बिगर उनको चक्कर काटे मिले। तो इस तरह का एक काम उन्होंने शुरू किया कि जितने भी योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ा, ऐसा काम करना शुरू किया। मनोहर वन में जो 2014 से 2019 तक उन्होंने योजनाएं लागू की, वो बहुत हद तक सफल हुई, उनको आगे बढ़ाया गया। और 2019 के बाद जब मनोहर टू, आप लोगों ने अपने पूरे प्यार के साथ, मनोरंजन के साथ दोबारा भाजपा को सत्ता में लेके आए, तो एक बहुत बड़ी स्कीम जिसको परिवार पहचान पत्र हम जानते हैं, कि पूरे हरियाणा के परिवारों का डाटा एक जगह इंटीग्रेटेड किया। उन्होंने सोचा भी इतना बड़ा डाटा को बहुत ही कम समय में इंटीग्रेट कराया, और उसके द्वारा पूरे जो सरकार की योजनाएं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, कैसे उनका जीवन स्तर बढ़े, उस पर काम करना शुरू किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था बहुत ही सफल हुआ है, क्योंकि एक ही क्लिक से बहुत सारी सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, जब बहुत धक्के खाने पड़ते थे वो ऑनलाइन सिस्टम से वो मिलने अभी शुरू हो जाएंगे, उन पे काम
चल रहा है, जो आदमी वृद्धावस्था जो हमारा सम्मान मान पेंशन देते हैं, वो भी जैसे ही उसका एज 18 साल होती है, 60 साल होती है, उसका डाटा अपडेट होता है और उससे पूछा जाता है कि भी आप इस सम्मान भत्ता लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते। ये अगर कोई व्यक्ति यस करता है तो ऑटोमेटिक तरीके से बिगड़ किसी कागज दिए हुए उनको सम्मान भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अनेक अनेक योजना है, क्योंकि इस डाटा से हम लोगों को पता चलता है कि 1,80,000 रुपए से कम इनकम के हमारे कितने परिवार, 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 14 लाख परिवार थे हरियाणा में। जब ये परिवार पहचान पत्र बनाए गए तो बहुत से ऐसे परिवार बढ़े जो लोग बाहर से दोबारा आए थे, क्योंकि जब माइग्रेट करके किसी स्टेट से लोग आते हैं, वही लोग आते हैं जब उस स्टेट में उनकी इनकम के साधन नहीं होते। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो ये डाटा 14.5 लाख से 29 लाख परिवार पहुंचा, क्योंकि पहले जो आय का डाटा था वो 1,20,000 रुपये था, अब 1,80,000 रुपये तक की आय के लिए बहुत सारे सरकार की स्कीमें हैं माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। उनकी अपनी सोच है कि 1,80,000 रुपये से आय जिनकी है उनकी आय कैसे बढ़े, इस पर बहुत बड़ा तेजी से काम हो रहा है। चौधरी कृष्णपाल जी मुझे हमारे बीच में बैठे हैं, वो सारी योजनाओं को विस्तार से बताएंगे कि केंद्र के द्वारा और हरियाणा में कितने डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि बहुत हमारे बीच में मुखपत्ता के तौर पे हमने बढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से हमें समझाएंगे। पर मैं तो आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका पूरा समय 18 घंटे हरियाणा में हमारे लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, विकास के काम बढ़ा के बढ़े, उनके जीवन स्तर को कैसे उठा के बढ़े, सिर्फ जी तरफ ध्यान रहता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से पुनः बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नेतृत्व में हरियाणा इसी तरह से उन्नति करता रहेगा। क्योंकि हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, तो मेरा भाई छोटा देवेंद्र चौधरी जी जो यहाँ नगर निगम में निर्वर्तमान उपमहापौर है, वरिष्ठ महापौर रहे, मेरी बार बार उनसे चर्चा होती है कि जब जब हम ये चर्चा करते हैं किसी भी डाटा पे और ऑनलाइन सिस्टम पे, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना करप्शन को हम कम कर नहीं सकते, और वही ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे कम हो, यही सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो मैं बहुत ज्यादा आपके बीच में समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन, क्योंकि उनके बारे में बताना बहुत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में किया, उनके साथ भाई अजय गौर जी रहे और हमारे पार्टी के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, युवक मोर्चे के अध्यक्ष रहे। तो निश्चित रूप से जो इस पार्टी में आ जाता है तो देश प्रेम की उसकी सोच अपने आप आ जाती है, और मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते हुए उन्हें समझ में आया कि उनका मेन उद्देश्य क्या है, कि जो लोग गरीब हैं, जो ऐसी विधवा हमारी महिला बहनें हैं, कि उनको जीविका के साधन कैसे मुहैया कराए, सरकार अपनी तरफ से कराती है। फिर मैं भाई अजय गौर जी को बहुत ही बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया, सोचा भी लोग राजनीति के रूप से वोट की राजनीति करने के लिए लोगों को बुलाते हैं भीड़ जंत के लिए। मेरे भाई अजय गौर जी ने एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमने ऑनलाइन भी आपको बात करते थे, उसी परिवार पहचान पत्र से डाटा उठाया, और जो मेरी विधवा महिला है, विधवा बहने माता है, जिनको रोजी के कोई साधन नहीं है, उनका परिवार पहचान पत्र से डाटा उठाकर ऐसी महिलाओं को चूज किया कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो बहुत बड़ा फायदा उनको होने जा रहा है। सिलाई मशीन दी जा रही है, उनको अपना जीवन का स्तर को उठा पाएंगी, परिवार को चला पाएंगी। तो मैं भाई अजय गौर जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, एक बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। तो मैं भी बधाई देता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि इतना कार्यक्रम में आप आए, इसको